जी जय हिंद सर। जय जगन्नाथ, जय हिंद संतोष जी। जय जगन्नाथ, जय हिंद साहब। साहब मैं संतोष, साहब मैं संतोष कुमार बोल रहा हूँ। मैं अनुगुल जिले के उड़ीसा प्रदेश का रहने वाला हूँ। साहब मैं 13 साल से सुरक्षा कर्मी के पद पर कटक में कार्यरत हूँ। साहब मेरा आपसे एक सवाल है जो व्यक्त करना चाहता हूँ। बताइए साहब, आपने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। साहब हमारी फौज ने पराक्रम कर दिया। इसके बाद मेरे मन में कोई प्रश्न बचा ही नहीं था। आपने हम सब देशवासियों की छाती चौड़ी कर दी। आपने चौकीदारों की इज्जत बढ़ा दी। साहब साहब मैं हर रोज कई लोगों से मिलता हूँ, आपके पास बातें नहीं पहुँचती होगी साहब, लेकिन नीचे गजब का माहौल है साहब। आप किसी की परवाह मत करें साहब, हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है साहब। यही आपसे कहना चाहता हूँ साहब। आपकी बातें सुन करके मुझे बहुत संतोष हुआ और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने जो रोजमर्रा जो बातें सुनते हैं उसको अपने शब्दों में मुझे पहुँचाने का प्रयास किया। हम सब देशवासियों को हमारी सेना पर गर्व होना चाहिए, हमारी फौज पर गर्व होना चाहिए। तो जान की बाजी लगा करके हमारे लिए कितना बड़ा पराक्रम किया, देश के वीर शहीदों का कई प्रकार से उन्होंने चुन चुन करके हिसाब चुकता किया और आपने पूरे देश की भावनाओं को मेरे साथ शेयर किया है। आज हर भारतीय को गर्व है, उसका सीना आत्मविश्वास से चौड़ा है। दूसरी ओर देश ने विपक्षी पार्टियों का जो रवैया देखा है उससे हर कोई हैरान है, दुखी है, परेशान है। दरअसल टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने वाले लोग इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी सेना ने किस प्रकार पाकिस्तान की सीने पर जाकर के बम बरसा दिए। जी साहब, और देखिए परिस्थिति देखिए, आप भी अनुभव करते होंगे। जी साहब, बम तो गिरे पाकिस्तान में, चोट वही लगी पाकिस्तान में, लेकिन चीख रहे हिंदुस्तान में, दर्द हो रहा है हिंदुस्तान में। ये देश को समझना होगा, ऐसे लोगों को पहचानना होगा। और ये भी आपने देखा होगा पाकिस्तान के टीवी पर, वहाँ के रेडियो पर, वहाँ के अखबारों में, वहाँ की पार्लियामेंट में, हमारे देश में जो लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनकी आवाज वहाँ सुनाई दे रही है, उनकी बातें छप रही है, उनकी बातें बताई जाती है, उनके शब्दों को कोट किया जाता है। ये देश के लिए अजूबा है कि वार पाकिस्तान को हो और बीमार कोई हिंदुस्तान में हो, ये बात ये देश के गले नहीं उतरती है। लेकिन देश, मैं नहीं मानता इनको भी भूलेगा, न देश सेना के पराक्रम को भूलेगा और न ही देश देश की सेना को ऐसे हलकट सवाल पूछने वालों को भी भूलेगा, नहीं बचेगा। लेकिन संतोष जी मैं आपका आभारी हूँ और उड़ीसा वासियों को मेरा प्रणाम। जय जगन्नाथ।